हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एल्गोरिथम यूज जो की जाती हैं वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या होते हैं ये तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, जैसे उसमें रिप्लेसमेंट था, इंसर्शन था, डिलीशन था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम फॉर वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसमें जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्लेसमेंट ऑपरेशन होता है, इंसर्शन होता है और डिलीशन होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं कि डिलीशन के लिए। तो सपोज कीजिए, अगर हमने यहाँ पे लिखा कि टू परफॉर्म डिलीशन ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो देखिए एल्गोरिथम किस तरह आएगी। पहले हमने यहाँ पे लिखा एल्गोरिथम, और जैसे हमने बताया था कि हर एल्गोरिथम के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो कोई भी नंबर आप यहाँ से रैंडमली आपने कोई भी नंबर डाल दिया, से 2.1, मतलब क्या हुआ, सेकेंड चैप्टर की पहली एल्गोरिथम होगी। इट्स ऑल अप टू यू। फिर आपने ये लिखा, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो आप लिखेंगे ए टेक्स्ट टी एंड ए पैटर्न पी आर इन मेमोरी। आपने यहाँ लिखा ए टेक्स्ट टी एंड पैटर्न पी आर इन मेमोरी, आर इन मेमोरी। ठीक, दिस एल्गोरिथम डिलीट्स एवरी अकरेंस ऑफ पी इन टी। तो ये एल्गोरिथम क्या करेगी, दिस एल्गोरिथम डिलीट्स एवरी अकरेंस ऑफ पी इन टी। मतलब कि टी में जहां जहां भी ये पैटर्न पी होगा, हर एक अकरेंस को ये डिलीट कर देगी। तो अब इसको स्टेप वन स्टेप टू करके आप लिखिए। तो मान लीजिए हमने कहा से पहला स्टेप आ गया, फाइंड इंडेक्स ऑफ पी। सबसे पहले हम देखें पी कहाँ पे है, तो हमने यहां लिखा फाइंड इंडेक्स ऑफ पी। पहले हमें पैटर्न देखना पड़ेगा, जो पैटर्न हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पे है। तो हमने लिखा सेट के इज इक्वल टू आई एन डी ई एक्स, इंडेक्स ऑपरेशन किया टी में और पी को ढूंढने के लिए, ये आ गया। अब स्टेप टू में हम क्या करेंगे, इसमें लूप चलाएंगे। अब हमने कहा लिखा रिपीट कब तक, वाइल के इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब तक के जीरो नहीं हो जाता है तब तक आप क्या कीजिए, हमने कहा डिलीट पी फ्रॉम टी। मतलब कि हम लिखा सेट टी इक्वल टू डिलीट ऑपरेशन लिखेंगे, तो ये हमने पिछले वीडियो में इसका सिंटैक्स बताया था। हमने लिखा डिलीट किसमें करना है, टी में से, कहां से करना है, इंडेक्स टीपी इस लोकेशन से डिलीट करना है, कितना डिलीट करना है, जितना लेंथ है पी की। तो हमने लिखा लेंथ, ठीक है। तो ये आ गया, जहां जहां भी वो पैटर्न आ रहा है वो डिलीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो हम ही करेंगे अपडेट इंडेक्स करेंगे, यानी अपडेट इंडेक्स। मतलब क्या हुआ कि इसको हम सेट के इक्वल टू क्या कर देंगे, इंडेक्स टी कॉमा पी। ठीक है, और फिर यहां लूप बंद हो जाएगा, तो हम यहां लिख देंगे एंड ऑफ लूप। ठीक, और जब ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डिलीट होने के बाद, तो यहां हम लिखेंगे राइट
और लास्ट में एग्जिट। तो ये एक एल्गोरिथम हो गया किस चीज का, कि हमें किसी टेक्स्ट टी में पैटर्न पी को ढूंढना है और जहां जहां पे भी पैटर्न पी आ रहा है उसको हमें डिलीट कर देना है। तो अब इसमें देखिए, इसमें मेन जो चीज है वो ये है कि वी एम्फसाइज दैट आफ्टर ईच डिलीशन द लेंथ ऑफ टी डिक्रीजेस एंड हेंस द एल्गोरिथम मस्ट स्टॉप। हाउएवर द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड मे एक्सीड द नंबर ऑफ टाइम्स पी अपीयर्स इन द ओरिजिनल टेक्स्ट टी। तो इसमें यह हो सकता है कि नंबर ऑफ टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड मे एक्सीड द नंबर ऑफ टाइम्स पी अपीयर्स, मतलब जितनी बार पैटर्न मैच हो रहा हो सकता है लूप जो है उससे ज्यादा बार चले। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम एग्जाम्पल से आपको बता देते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मान लीजिए इस जो एल्गोरिथम आपको अभी बताई है इसको हम रन करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ये पहला है, इसको इसको हम रन करते हैं और डाटा जो है हमारे पास वो टी दिया हुआ है क्या, एक्स ए बी, एक्स ए बी, वाई ए बी और जेड, और जो पैटर्न हमें डिलीट करना है वो क्या है, वो है ए बी। अब इसमें क्या होगा कि देन द लूप इन द एल्गोरिथम विल बी एग्जीक्यूटेड ट्वाइस ड्यूरिंग द फर्स्ट एग्जीक्यूशन द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए बी इन टी इज डिलीटेड। पहली बार लूप चलेगा ये डिलीट हो जाएगा विद द रिजल्ट। तो पहली बार लूप चलने के बाद क्या होगा भाई, देखिए इनिशियली टी क्या है, टी है एक्स ए बी वाई ए बी जेड। अब इसके बाद ये क्या रह जाएगा, एक्स ए बी हट जाएगा, वाई ए बी जेड हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट लूप एग्जीक्यूशन। ठीक, उसके बाद जब सेकेंड लूप चलेगा तो ये ए बी भी चला जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, एक्स वाई और जेड आफ्टर सेकेंड लूप एग्जीक्यूशन। इस तरह हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब आउटपुट जो हमको मिलेगा इस एल्गोरिथम के हिसाब से, आउटपुट हमको मिलेगा एक्स वाई जेड। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये तो एक एग्जाम्पल हो गई। अब दूसरी एग्जाम्पल आप लीजिए इसी एल्गोरिथम के लिए, मान लीजिए हम दूसरी एल्गोरिथम लेते हैं, अरे दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं से पार्ट बी। इसके अंदर क्या दिया हुआ, इसके अंदर टी जो दिया है हमें, टी दिया है एक्स ट्रिपल ए बी ट्रिपल और वाई, यानी एक्स फिर ए ए ए फिर बी 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 और फिर वाई। ठीक, और पैटर्न हमको क्या डिलीट करना है, ए बी। अब इसमें देखिए क्या होगा, मेन आपको इसमें ध्यान देने की बात यह है कि द पैटर्न ए बी अकर्स ओनली वंस इन टी बट द लूप इन द एल्गोरिथम विल बी एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स। देखिए ए बी कहाँ हो रहा है, केवल एक जगह मिल रहा है लेकिन लूप 3 बार चलेगा। क्यों, इसलिए कि आफ्टर ए बी इज डिलीटेड द फर्स्ट टाइम देन अगेन वी आर हैविंग एक्स ए ए बी बी वाई, फिर ए बी डिलीट होगा, फिर हमारे पास एक्स ए बी वाई रह जाएगा, फिर जब वो डिलीट होगा तब जाके रूप लिखेगा। मतलब ये हुआ कि देखिए टी हमारे पास क्या है, टी है एक्स ए ए ए बी 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 वाई। ठीक, आफ्टर फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप हमको क्या मिलेगा, ये डिलीट हो जाएगा तो हमें मिलेगा एक्स, ये वाला डिलीट होगा ना, तो एक्स ए ए और फिर बी बी वाई मिलेगा, तो फिर ये डिलीट होने को बोलेगा, तो फिर क्या होगा, आफ्टर सेकेंड एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप क्या होगा, फिर हम रह जाएगा एक्स ए बी वाई, फिर यहाँ पे ए बी मिलेगा, ये भी डिलीट होगा, आफ्टर थर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप तब जाके हमको मिलेगा एक्स वाई। तो यानी कि लूप कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स। ठीक, तो यही चीज हम आपसे कह रहे थे कि
इनिशियली, और आउट ये हमें यानी आउटपुट हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा हमको एक्स वाई। यानी ये हम आपसे कह रहे थे कि इनिशियली आप देखेंगे तो पैटर्न यहाँ पे एक बार अपीयर हो रहा है, लेकिन लूप जो है हमें 3 बार चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक एग्जीक्यूशन बाद फिर ए भी आ गया वो डिलीट हुआ, फिर ए भी आ गया वो डिलीट हुआ। तो ऐसे भी कई सिचुएशन होती है जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन विद द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ पैटर्न। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स, कंफ्यूजन, कोई चीज नहीं क्लियर है तो प्लीज कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।